MIUI 13 Xiaomi U का 22.10.19 का एक लेटेस्ट बिल्ड आया हुआ है Note 5 Pro के लिए, और लास्ट रिव्यू 22.9.29 का किया था, Android 12 का ही था वो भी। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस हुई हैं उस टाइम के बाद अभी तक में अगर हम देखें तो। साथ साथ MIUI 14 का फाइल मैनेजर भी ऐड किया गया है। बाकी अब यहाँ पे क्या कुछ फिक्स हुआ है या बेटर हुआ है पहले से, उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसे कि इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे है, और जो रिकमेंडेड रिकवरी है वही आपको यूज़ करना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे ही देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहले MIUI अकाउंट ऊपर हुआ करता था, अब जो उसे रिमूव करके यहाँ पे नीचे जो है यानी कि मूव कर दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे चले इसके माई डिवाइस में, तो यहाँ पे जो है आपका वर्जन Xiaomi U का 22.10.19 बीटा जैसे कि मिल जाता है। ऑल स्पेक्स के अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे ये नोनोसी है पहले की तरह, एंड्रॉयड वर्जन 12 है, सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है अक्टूबर 2022 का मिलता है, कर्नल बिल्कुल सेम मिल जाएगा, ओल्ड कैम है, और आपका ये जो है नोनोसी है पिछले में जो था वही आपको मिलता है। एंड कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर का जो है कास्ट का बग रहेगा, और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन पूरी तरीके से सेम मिल जाता है, इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलती, या फिर वॉलपेपर या थीम किसी पे भी देखोगे पूरी तरीके से ये जो है आपका सेम रहेगा। थीम स्टोर चाइनीज ही है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉकिंग के अंदर में ऑलवेज ऑन तो काम नहीं करता, बट जितनी बार आप डिवाइस रिबूट करोगे उतनी बार डबल टैप वाले ऑप्शंस को एक बार ऑफ करके ऑन कर लेना, तभी जो है ये काम करेगा, जब रिबूट करो एक बार कर लेना। एंड चार्जिंग एनिमेशन आपको तीनों वही नॉर्मल पहले की तरह मिलेंगे। डिस्प्ले के अंदर में भी एंटी फ्लिकर तो काम नहीं करेगा, लेकिन रीडिंग मोड कलर स्कीम काम कर रहा है, रिफ्रेश रेट 60Hz का, ग्लो मोड काम नहीं करेगा, रोटेशन काम करता है। साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ जैसे कि हम चलते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो सेम था वही आपको मिलेगा, ये वाला जो साउंड इफेक्ट है काम नहीं करता। फिर यहाँ पे हम चले इसके नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में, तो यहाँ पे भी हालांकि सब कुछ आपको सेम ही मिलने वाला है, इसके अंदर में भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, पूरी तरीके से जो है सेम मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन में चलते हैं तो इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलेगा इसके एनिमेशन में, यानी कि जो जेस्चर है पहले से अब थोड़ा बेटर हो गया। एनिमेशन के मामले में देखोगे तो पूरी रोम जो है आपकी पहले से थोड़ी स्मूथ हुई है यहाँ पे, तो एक फ़र्क अब आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, यानी कि इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके एनिमेशन को लेकर के। अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव हो गया, पहले से अब बेटर लग रहा है, पहले जो ज़्यादा थोड़ा लैग कर रहा था अभी उससे काफ़ी बेटर हो चुका है। हालाँकि डबल टैप टू वैक आपको मिल जाता है, डबल टैप टू स्लीप यानी कि, एंड सर्च बार भी आप यहाँ से आराम से चेंज कर पाओगे गूगल का डाउनलोड करके। गूगल ने डाउनलोड करने के बाद अरेंज आइटम इन रिसेंट भी आपका नॉर्मल ही मिलता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और अब चले सिक्योरिटी की तरफ, तो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक तो बिल्कुल फिक्स है, काम कर रहा है, बट यहाँ पे अभी जैसे कि एंड्रॉयड 12 की MIUI सभी रोम्स में फेक जो है इनक्रिप्टेड शो करता है, इसे लोग काफ़ी लोग घबरा जाते हैं पूछते हैं, बट ये आपको बता दूँ ये नॉट इनक्रिप्टेड है, डिक्रिप्टेड ही है, फेक ये शो कर रहा है तो उसको इग्नोर करना, ये रोम आपका डिक्रिप्टेड ही रहेगा। फिर यहाँ पे बैटरी के अंदर चलते हैं, तो बैटरी के अंदर थोड़ा सा इंटरफेस आपको चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो ये, और यहाँ पर जो ये बता रहा है एक्सीलेंट ऐसा भी बैटरी नहीं है जैसा ये बता रहा है, बट पिछले अपडेट से थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, अभी उतना भी नहीं हुआ है कि आपको काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाए, अभी भी आपको बैटरी बैकअप नॉर्मल ही मिलती, उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन हाँ पिछले से थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है यहाँ पे। एंड ऐप्स के अंदर में यहाँ पर डुअल ऐप लोग का यूज़ आप कर पाओगे, वहीं एडिशनल सेटिंग्स के अंदर में लैंग्वेज आपको जो ग्लोबल में मिलती है वही पूरी की पूरी लैंग्वेज मिल जाती है, इंडोनेशियन लैंग्वेज अवेलेबल है यहाँ पे, बाकी की भी लैंग्वेज आपको ग्लोबल की जो है वो सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे पूरी तरीके से आपको सेम मिलता है सारी चीज़ें, मेमोरी एक्सटेंशन 2GB तक का देखने को मिल जाता है, बाहर फिर स्क्रीन टाइम हो गया, स्पेशल फीचर हो गया, जो कि इनमें हमें कोई चेंजेस नहीं मिलता। नीचे फिर अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स और MIUI अकाउंट जैसे कि अभी फिलहाल नीचे अब आ चुका है, ऊपर पहले हुआ करता था। और ऐप बोल्ड भी बिल्कुल आपको यहाँ पर वैसे लेटेस्ट ही मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड हालाँकि होम स्क्रीन के जो विजेट्स हमें मिलते हैं वो आपको लेटेस्ट नहीं मिलते हैं, वो आपको नॉर्मल जो पहले मिलते थे उसी स्टाइल में देखने को अभी भी मिलने वाले हैं यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे स्टेटस बार की तरफ चले यानी कि कंट्रोल सेंटर की तरफ, तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है, और जो मीडिया प्लेयर है आपका जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लोगो शो कर रहा है स्पॉटिफाई का, जियो सावन स्पॉटिफाई दोनों पे टेस्ट किया हूँ, काम कर रहा है। और फिर यहाँ पे जो है हमारा ये बाकी के जो
टॉगल्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि वायर्ड पार्ट्स, FPS इन्फो या इसी से रिलेटेड बाकी सारे भी हैं। और तो यहाँ पे हम वायर्ड पार्ट्स में चले तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका पहले वाला ही मिलता है, जिसमें सारी चीज़ें आपको सेम मिल जाती, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और जो पहले काम करता था वही है। सेलिनक्स परमिशन मिलता है, डायरेक्ट साउंड हमारा बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है, और जो गेन वाले ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे सारे के सारे वो भी काम कर रहे हैं, तो उनमें दिक्कत नहीं होगा। वॉल्यूम पैनल वैसे अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, पहले 4 पैनल था, अब जो है 3 पैनल वाला देखने को आपको मिल जाता है यहाँ से। और जो पावर मेन्यू है वो भी अब सिंगल पैनल पर, पहले 3 पैनल पर आता था। तब एडवांस रिस्टार्ट इनेबल करना है तो डेवलपर ऑप्शन से आप पावर एक्सटेंड पावर मेन्यू जो दिया है उसको इनेबल कर लेना। एंड यहाँ पर जो है हमारा जो ऐप ओपनिंग है इसमें आपको जैसे कि एनिमेशन तो नहीं मिल रहा, डायरेक्ट ओपन हो रहा है, आप खुद ही देख सकते हो, क्लोज में भी एनिमेशन नहीं है। बट एक चीज़ है कि थोड़ा सा बेटर हो गया ऐप ओपनिंग यहाँ पे, हालांकि एनिमेशन नहीं मिल रहा है इसके अंदर, एनिमेशन गायब है, बट जो स्मूदनेस है वो थोड़ी सी बेटर मिल रही है इसके अंदर में। वहीं अगर हम रैम की बात करते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा ही है, 1.4 या 1.6 GB के करीब तक जो है फ्री मिलता था वही सेम है। कॉलिंग के अंदर में हमारा वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग है, ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया और कॉलिंग दोनों पे अच्छे तरीके से काम कर जा रहा है। वैसे यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग की अगर बात करें तो वो काम नहीं करेगा, और इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर जाता है, और कॉल रिकॉर्डिंग भी आप यूज़ आराम से कर पाओगे, उसमें भी कोई दिक्कत हमें नहीं मिलती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कैमरे के बारे में तो कैमरा जैसे बाकी मिल रहा है MIUI 12 का ही है, तो बिल्कुल सेम है। इसके अंदर भी आपका वाटरमार्क काम नहीं करेगा, पोर्ट्रेट मोड का बग है, और पैनोरामा मोड इसका भी बग मिल जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो इस तरीके से बैक कर देना। और वीडियो रिकॉर्डिंग में हालांकि कोई भी इश्यूज़ नहीं है, जो ग्रीन इशू पहले मिला करते थे वो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता, बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मल रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आप आराम से जो है यानी कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आराम से कर पाओगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है, बस वाटर मार्क पोर्ट्रेट मोड ये सब का दिक्कत रहेगा। और GCam मैनुअली आप इंस्टॉल करना, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। ओके गूगल का बग मिलता है, ये काम नहीं करता है, और ये जो बेफालतू की एप्लीकेशन है इनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो आराम से। पावर मेन्यू के लिए रूट करना पड़ेगा, वो जो शॉर्टकट टॉगल मिलता है। FM काम कर रहा है, गैलरी जो है स्काई इसके अंदर आपको नहीं मिलती है। और फाइल मैनेजर अब दिखा दूँ, जैसे कि MIUI 12 वाला यहाँ पे अपडेटेड दिया गया है, जैसे कि लेटेस्ट अब चेंज हुआ है यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से जो है अब आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो फाइल मैनेजर है वो SSD कार्ड भी इसके अंदर बिल्कुल वर्किंग रहने वाली है। एंड यहाँ पे अब हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, तो प्ले स्टोर बिल्कुल बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड ही आता है पहले की तरह ही, तो सेफ्टी नेट इसके अंदर पास है, तो बैंकिंग ऐप आराम से यूज कर पाओगे। और टूल्स में भी आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसकी भी क्वालिटी सेम 105 Mbps तक की जैसे कि पहले मिलती थी उसी तरीके से है, और जो FPS मिलता है वो भी 90 FPS ही मिल जाता है पहले की तरह ही। अब एंटूटू स्कोर देखें तो 167,292 हमें इस बार मिला है, पिछले में 163,000 था, जो कि इतना 4,000-5,000-3,000 इस तरीके से चल जाता है, तो सिमिलर ही है। और CPU थ्रोट रेट भी 92% है, पिछले में 91 था, जो कि ये भी हमारा सिमिलर ही है पहले की तरह ही। Geekbench स्कोर देखें तो सिंगल में 271 है और मल्टी के अंदर 1242 है, वहीं पिछले में सिंगल 261 था और मल्टी के अंदर 1257 था, तो ये भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पहले जैसा ही सिमिलर सा ही मिल जा रहा है, कुछ खास फर्क नहीं था। एंड यहाँ पे गेम टर्बो जो है अभी फिलहाल आपका क्या है गेम टर्बो में कि वॉइस चेंजर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, रिकमेंडेड वाले तो यूज़ नहीं कर पाओगे, बट ये जो फ्री वाले हैं इनका यूज़ करना, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं स्पीकर पे भी ईयरफोन पे भी। और ग्राफिक में ज़रूर यहाँ पे पहले एक्सट्रीम 90 FPS ऑप्शन था, बट अभी हाई तक ही है सभी पे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है नॉर्मल हो गया है अभी फिलहाल ग्राफिक। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें गेमिंग के बारे में तो गेमिंग मुझे ज़्यादा कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिला गेमिंग के मामले में, सिमिलर सा ही देखने को मिल रहा है, तो गेमिंग में ऐसा कुछ भी आपको फ़र्क उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ इसके UI एनिमेशन जो हैं इसके उनमें ज़रूर आपको थोड़ा फ़र्क मिल जाता है, बट ऐप ओपनिंग एनिमेशन वो रिमूव हो पड़ा है, उसमें हमें एनिमेशन नहीं मिलता, बाकी जगह जो एनिमेशन है उनमें आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। और ऐप ओपनिंग जो है उसमें भी थोड़ा सा आपको जो ऐप ओपन होते टाइम जो लैगिंग वो सब मिलती थी वो थोड़ी बेटर हो चुकी है, अब आपको उसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है लैग, तो वो भी थोड़ा बेटर हुआ था। इंप्रूवमेंट आपको मेन जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बैटरी में, हल्का आपको फ़र्क मिलेगा कि बैटरी पहले से बेटर हुई है, बट वहाँ पे जो एक्सीलेंट दिखा रहा है वैसी भी बैटरी आपको नहीं मिलेगी। वो ग्राफ पूरा वहाँ पे ज़रूर चेंज हुआ है आपका, लेकिन बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो बैटरी बैकअप अभी भी आपकी पिछले से थोड़ी बेटर हुई है, बट उतनी भी बेटर नहीं मिलती, यानी कि आप समझो तो नॉर्मल ही बैटरी बैकअप अभी भी है, ज़्यादा अच्छी भी देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर अच्छी है यहाँ पे कि इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं अब जो एंड्रॉइड 12 वाले MIUI के आ रहे हैं, पहले तो फिंगरप्रिंट यही सब फिक्स करने का लग रहा था होगा कि नहीं, बट अभी जो है पहले से काफ़ी बेटर धीरे धीरे हो रही हैं, तो इम्प्रूवमेंट हर एक अपडेट्स के साथ कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं फिक्स भी हो रही हैं। तो यहाँ पे डेवलपर्स को थैंक यू जो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए सभी रोम्स अगर आप देखोगे अभी एंड्रॉइड 12 की आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल अब धीरे धीरे एनिमेशन के मामले में भी बेटर हो रही हैं।
तो आगे और भी बेटर ज़रूर होंगी। तो देखते हैं, फ़िलहाल अभी जो है इस वीडियो में इतना ही था। और इंस्टॉलेशन ज़रूर आप देखना इंस्टॉल करने से पहले, और रिकमेंडेड रिकवरी ही यूज़ करना, क्योंकि काफ़ी लोग जो है किसी भी रिकवरी अदर किसी रिकवरी को यूज़ करते फिर उसके लोगो पे अटक जाते हैं, तो इसलिए पहले इंस्टॉलेशन वीडियो देख लेना। इंस्टॉलेशन वीडियो बिल्कुल मतलब आपका सेम ही रहेगा, बट रिकवरी जो है वो रिकमेंडेड ही यूज़ करना। तो बस यही था आज की वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।